पिकॉक का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है न्यूज़पेपर की हेल्प से। इसके अंदर पूरा फिल है न्यूज़पेपर एंड इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर लिया, तो आपको ये देख रहे हो आयरन वायर है ये, इसकी हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया है, सपोर्ट मिल गया है जिससे कि ये आप सो टेल के लिए मैंने लीफ का एक बंडल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इससे मैं टेल क्रिएट करने वाली हूँ, तो ये अटैच कर दूँगी मैं अपने पिकॉक के टेल में एंड इससे मेरे पिकॉक की टेल बन जाए। सो गाइस पीकॉक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन मैंने इस तरीके से इसकी डेकोरेशन की है एंड फ्लावर्स के बीच में मैंने इसको प्लेस कर दिया है। एंड गाइस मैंने लीफ यहाँ पे जो ऐड किया है लीफ का बंच, यहाँ पे मैं और रियल लीव्स ऐड करने वाली हूँ। सो जन्माष्टमी ब्लॉग में मैं आपको ये शो करूँगी कि मैंने कितने लीव्स और कैसे इसको ऐड किया है, इसमें रियल फ्लावर्स भी मैं ऐड करने वाली हूँ। सो जन्माष्टमी का ब्लॉग देखना ना भूले, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।